चलो हो गए कॉलेज के लिए तैयार। सिर्फ हम, हमारी गुंजन मैडम की सुबह तो अभी हुई है। इसे यहीं रहने दो, तुम चली जाओ कॉलेज। मयंक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो ताई जी ने आने के लिए कहा था। हाँ बेटा, हमने इसे यहाँ बुलाया था, हमें तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है जो घर पर नहीं हो सकती थी। जिस रास्ते पे तुम दोनों निकल पड़े हो ना, वहां पर सिर्फ रुकावटें ही रुकावटें हैं। इसलिए हम चाहते हैं मयंक कि जब तक तुम अपने मम्मी पापा से गुंजन के बारे में बात ना कर लो, तुम दोनों एक दूसरे से ना तो मिलोगे और ना ही बात करो। जी ताई जी, आप चिंता मत कीजिए। हे भगवान, अब क्या करें? हेलो, हाँ छोटे, क्या हाल है, सब ठीक ठाक? मैं एकदम ठीक हूँ यार, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे वो थोड़ा सा बुखार हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? एक अर्जेंट काम आ गया। हाँ ठीक है, ओके, चल बाय। ये कौन रखे गया यहाँ पे? जब मैं नहाने जा रहा था तब तो ये यहाँ पे नहीं था, मतलब जो कोई भी है वो अभी भी यहीं पर है। मुंह खोलो ना बेटा, शर्मा क्यों रहे हो इतना? अरे बचपन से हम ही तो खिलाते आए ना। हाँ वो बात और है कि चारू जब इस घर में बहू बनकर आ जाएगी तो हमारा ये हक भी हमसे छिन जाएगा। ओहो माँ, आप दो मिनट चुपचाप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? कौन सी बात? अच्छा वो जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। इतने ध्यान से क्या पढ़ा जा रहा है? आ गई मैडम, कहाँ थी? हाँ वो हम लाइब्रेरी में थे, वो किताब वापस करनी थी ना, इसलिए वहां गए थे। इसे क्या नोटिस है? हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़ लो, अच्छी खबर है। हेरिटेज टूर, ट्रिप टू चंद्रप्रभा, 2 days and 1 night। ये पिकनिक अच्छा बहाना है घर से बाहर रहने का। कुंजन, तुम्हें लगता है कि इस पिकनिक के लिए हमें घर से परमिशन मिलेगी? ऑफ कोर्स, मौसी जी को बोल देंगे और परमिशन मिल गई। इस बार नो चांस, पहले ही मम्मी ने पापा से हमारे लिए स्पेशल परमिशन ली हुई है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। क्या यार, सारा मूड ऑफ हो गया। हमने ये ट्रिप के लिए क्या क्या प्लान किया था, लेकिन अगर तुम दोनों ही नहीं आओगे तो हमें कौन सी परमिशन मिलेगी? पता है सब कह रहे हैं कि राजीव सर ने ट्रिप के लिए क्या क्या प्लान किया है, वो कहाँ कहाँ से परमिशन लिए, वो सब मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए, वहाँ रहने के लिए। तो राजीव सर ने तो क्या, राजीव सर ने ऑर्गेनाइज किया इस ट्रिप को? हाँ, उससे क्या हो जाएगा, कौन सा वो घर आके तुम्हें परमिशन दिला देंगे? भूल जाओ पिकनिक विकनिक, कोई परमिशन नहीं मिलने वाली। अरे गुंजन, मम्मी से एक बार बात करके देखते है ना, शायद वो ये सब समझे, एक बार ट्राई करते है ना। अभी कुछ देर पहले तुम ही कह रही थी ना कि कोई चांस नहीं है। मतलब हम ट्राई करने की बात कर रहे हैं ना, एक बार पूछ के देखते हैं ना।